इसमें सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। जिसे कोई एग्जांपल है, एक एग्जांपल दिया हमें 193 चेंज करना है इसमें, मतलब 193 का बेस क्या है 10 यानी कि डेसिमल, को चेंज करना है ऑक्टल, बेस कितना है 8 यानी कि ऑक्टल में, जिसका बेस 10 होगा वो डेसिमल नंबर होता है, जिसका बेस 8 होता है वो ऑक्टल नंबर में होता है। ये नंबर सिस्टम में पहले करा चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, तो अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो मेरी पिछली लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी जैसे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें जो ऑक्टल नंबर, ऑक्टल का बेस होता है, ऑक्टल का बेस, उससे डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। सेम टू सेम जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करते थे, तो बाइनरी के बेस से डेसिमल नंबर को भाग करते थे और जो भी रिमाइंडर आते थे उन वही उसका आंसर होता था, वैसे ही सेम इसमें करना है। जैसे हमें एग्जांपल में दिया 193 को डिवाइड करना है किससे 8 से, तो कितना आ जाए निकल आएगा, इसको भाग करना है यानी कि इस संख्या को जो ऑक्टल का बेस है उससे भाग करना है, जो भी रिमाइंडर बचे वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 से इसको भाग करें क्या बार जाएगा 2 बार, बचा 3, 19 में 8 2 बार जाएगा, बचा 3, 3 और 3 33, 33 में 8 क्या बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ क्या बच गया कितना हो गया 832, 33 था तो कितना बचा रिमाइंडर 1। ऐसे ही फिर 8 से इसको डिवाइड करना है, 8 से 24 के बार भाग होगा 3 बार, और यहाँ क्या बचेगा 0 रिमाइंडर 0, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। सेम टू सेम हम यही कंडीशन होती है कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, तो क्या जाएगा 301, ये है हमारा ऑक्टल नंबर, समझे। यानी कि जो डेसिमल नंबर है उस नंबर को ऑक्टल नंबर से हम भाग करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना और वही हमारा क्या आएगा ऑक्टल नंबर निकल का आएगा, ऑक्टल आएगा आंसर। अगर नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 1 4 1 4 4 को डेसिमल को चेंज करना है ऑक्टल में, तो कैसे करेंगे फिर वही काम, 1 4 4 को भाग करना है 8 से, क्या बार जाएगा आर्टिकल 8, बचा 6, 64, 8 64, तो क्या यहाँ क्या बचा कुछ नहीं 0। इसी तरह से फिर 8 से करेंगे इसको भाग 18 को, तो क्या बचेगा 8 8 16, बचा 2, यहाँ फिर क्या बचा 2 2, 8 से भाग नहीं होगा तो यही क्या आ गया आंसर हो जाएगा। तो नीचे से हम ऊपर क्या लिखेंगे 1 2 2 0, यही है ऑक्टल नंबर। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, किसी भी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको यही काम करना है। अगर डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने के लिए आए तो जो भी संख्या आएगी उसको 8 से भाग करते रहेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं लिखना, सबसे पहले नीचे से फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर वाला, और वही क्या होता है ऑक्टल नंबर आ जाता है। अब देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है 573, ऑक्टल नंबर को चेंज करना है हमें डेसिमल नंबर में, कैसे पता चल रहा है क्योंकि इसका बेस है 8 और इसका बेस है 10, तो हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर में इसको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे हम देखना है। तो सेम टू सेम जैसे कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते थे, तो बाइनरी के बेस से जो बेस था उसका उसके गुना से, दो गुना से उसमें हर नंबर में ऊपर से हम गुणा करते चले जाते थे, सेम टू सेम वैसे इसी में भी होना है। इसका बेस कितना है 8, तो 8 के गुणा से हम इन नंबरों में गुणा मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे देखिए हम नंबर पा लेते हैं 573, अब बेस कितना 8, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 किसी 1, अब 1 का 8 गुना कितना होगा 8 और 8 का 8 गुना 64, सेम टू सेम यही प्रोसीजर अपनाना है।
वन से स्टार्ट करते हैं, जो बेस है उसका गुना लेते हैं, आठ गुना आठ का आठ, एक का आठ गुना आठ और आठ का आठ गुना 64। तो सेम अगर इसमें कोई और नंबर होता तो 64 का आठ गुना कितना होता वो यहां लिख देते। तो देख लीजिए अब इसको सोल्व करते हैं हम, ये हो गया। इसके बाद हम जो है इसमें जो नंबर जिसके ऊपर है उसमें आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगी, 64 के नीचे क्या 5, तो 64 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब इसको ओपन करके कर लीजिए क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 और 320 प्लस 8 सत्ते 56 प्लस 3 का 3, और इनको जोड़ लीजिए 379 527 और 3, यानी कि लास्ट में हमारा आंसर डेसिमल नंबर क्या निकलता है 379 डेसिमल निकलता है। तो सेम इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे टोटल, चाहे वो ऑक्टल से डेसिमल आ जाए या डेसिमल से ऑक्टल, तो सेम इसी इन्हीं प्रोसीजर से हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब इस ये चार न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, चार कन्वर्जन है, ये ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल में आपको बदलना है। तो इनको इनका जो सॉल्यूशन आएगा आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर समझ में नहीं आते तो मुझे आप इससे कमेंट बॉक्स के जरिए से मालूम कर सकते हैं, मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई।